सभी छात्रों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं आज जो है कक्षा 9 में विज्ञान की से एक चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की इकाई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे ये पूछा जाए इस मकान की इकाई क्या है तो आपका आंसर होगा ईट। फिर उसके बाद समय की इकाई क्या है उसे आप बताएंगे सेकेंड। उसी तरह से पूछा जाए कि हमारे शरीर की इकाई क्या है, हमारा शरीर कैसे बना है, तो इसका आंसर भी जो है वही होगा जीवन की जो मौलिक इकाई है हमारे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका। कोई भी जीव हो, चाहे एक कोष की चाहे बहु कोष की, उसके जीवन की इकाई क्या है, कोशिका। और तो आप जानते हैं कोशिका जीवन की एक मौलिक इकाई है। यदि कोशिका की परिभाषा पूछा जाए, कोशिका को परिभाषित करें, तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यदि इसे हम इंग्लिश में कहें सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये कोशिका के बारे में हो गया। अब कोशिका को सबसे पहले कौन देखा, तो इसके बारे में जो है एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में एक कार्प नाम की लकड़ी थी उसका पतला सेक्शन काट करके स्लाइड बना करके जब अध्ययन किया तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है खांचे दिखाई दिए। जैसे आप मधुमक्खी में देखते हैं गोल गोल खांचे होते हैं, खाने जैसी संरचना होती, उसी तरह से उन्होंने देखा तो उसका नाम रखा जो है कोशिका। और इस कोशिका का वर्णन जो है रॉबर्ट हुक की एक फेमस किताब है माइक्रोग्राफिया, 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 इसी बुक में जो है कोशिका के बारे में वर्णन किया था। जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। तो अब बात बनती है कि जीवित कोशिका की कौन खोज किया है, तो सन 1671 या 78 की सिद्ध के आसपास में, जिसन जो कंफर्म नहीं हो रहा है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहा नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ये जो है तालाब में जो है अमीबा पैरानेशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों को भी देखा था, साथ में जो है स्पर्म का भी सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहा को भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ये जो है कोशिकीय जीवों का अध्ययन किए थे। तो कोशिका के बारे में हो गया। कोशिका का आदि प्रकार देखें तो कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका को जो है मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, यूकैरियोटिक और दूसरे नंबर के जो प्रोकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिका, तो ये दोनों कोशिकाओं को जो है बेसिक संरचना के आधार पर, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आएंगी, उसके बाद जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं आएंगी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सबसे सिंपल श्रेणी की होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल होती है। एक जो है यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर बनाए इसलिए सबसे पहले जो नंबर पे यूकैरियोटिक दिया जाए लिखे हैं। यदि डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये डिवीजन जो है पहले प्रोकैरियोट होगा फिर उसके बाद यूकैरियोट। तो हम जो फिगर बनाए यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो है पौधे की कोशिका है, पौधे की कोशिका
मैं आप देख रहे हैं सबसे तो आज एक आवरण है जिसे हम कोशिका भित्ति या इंग्लिश में इसे सेल वॉल कहते हैं। इसी के ये पौधों के सबसे विचित्र लक्षण है। जिस कोशिका के चारों तरफ ये जो आवरण पाया जाता है उसे हम जो है पादप की श्रेणी में रखते हैं। ये कोशिका भित्ति जो है एक रासायनिक पदार्थ है सेलुलोज एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है उसी का यह बना होता है। जिन कोशिकाओं के चारों तरफ ये पाया जाता है उन्हें पादप की श्रेणी में रख दिया जाता है। एक क्वेश्चन है जैसे जीवाणु क्या है, जंतु है या पादप है? इसका आंसर आप जो है कमेंट में लिखकर भेजेंगे। मैं बता दिया जिन कोशिकाओं के चारों तरफ जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे हम जंतु पादप की श्रेणी में रखते हैं। फिर इसके अंदर देख रहे हैं बहुत से कोशिकांग दिख रहे हैं। कोशिकांग जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर माइटोकांड्रिया है, हरित कवक है, गोल्जी काय है, राइबोसोम है, बीच में जो है बड़ा सा एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो है केंद्रिका है, फिर उसके बाद क्रोमैटिन धागे हैं। केंद्रक जो है दोहरी इकाई झिल्लियों द्वारा घिरा होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, केंद्रक आवरण। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में इसे जो है ईआरजी कहते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब जो है महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ये कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यदि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखा जाए तो जितने के जो है कोशिकांग होते हैं मतलब कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं वो जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं या उनके जो है जीव द्रव्य में घुले होते हैं, साइटोप्लाज्म में घुले होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में घुले होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। अस्पष्ट केंद्रक होता है और केंद्रक जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। फिर इसके बाद जो है दूसरी इसकी विशेषता है कि जो पादप कोशिका होगी इसमें जो है बड़ी सी रिक्तिका हो और जंतु की कोशिकाओं में रिक्तिका का अभाव होता है, होती भी तो बहुत छोटी होती है लेकिन पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है। फिर इसके बाद जो है पादप कोशिका की तीसरा जो लक्षण है हरित कवक क्लोरोप्लास्ट, इसके कारण जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो ये जो है पादप कोशिकाओं के तीन विभेदी लक्षण हो गए, कोशिका भित्ति, हरित कवक और रिक्तिका। इसी के आधार पर जो जंतु और पादप कोशिकाओं का डिटेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर जो कोशिकांग है इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे गोल्जी काय है, गोल्जी काय को जो है कोशिका का पॉलीट्रॉफी कहते हैं। इसकी खोज जो है कैरेंटो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर जो है बड़ा सा एक केंद्रक है, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किया। और केंद्रक के अंदर एक जो है रेड कलर से बनाए हैं इसे केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका। केंद्रिका की खोज जो है कोल्टाना नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है। फिर इसके बाद इसमें देख रहे हैं राइबोसोम को दिखाया गया है। राइबोसोम को कोशिका का जो है कह सकते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम की सतह के ऊपर ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर इसके बाद जो है इसमें माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया की खोज जो है सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में किया था। इसका प्रमुख कारण है श्वसन की क्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा का उत्पन्न करना, इसलिए इसे जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट है इसी की सतह पर, इसी इन्हीं की सतहों के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, मंड का निर्माण करते हैं।